सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़िया ही रहे। अब गाइस यहाँ पर आज की जो वीडियो यहाँ पर कुछ यहाँ पर सेंसिविटी के ऊपर है। अब मतलब कि यहाँ पर अगले भी यहाँ पर वीडियो मैंने सेंसिविटी के ऊपर बनाई थी जो यहाँ पर रेडमी MI डिवाइस के ऊपर थी। आज की जो वीडियो यहाँ पर सैमसंग डिवाइस पर होने वाली है, मतलब कि सैमसंग डिवाइस की यहाँ पर 2 GB रैम से लेकर 8 GB रैम तक की बेस्ट सेंसिविटी, बेस्ट DPI सेटिंग और बेस्ट फायर बटन की साइज, ये तीनों चीज़ यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अब गाइज जो यहाँ पर प्रिडिक्ट की होती है, यहाँ पर अलग से यूट्यूबर आपको बताते हैं कि इतने में से इतना रखना, बट गाइज यहाँ पर मैं परफेक्ट सेंसिटिविटी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सपोर्ट तो रखना ही है, मतलब कि सपोर्ट करना होगा। बिना सपोर्ट के तो यहाँ पर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ पर जो मेरे से जितना भी होगा ना उतना आपके लिए करूंगा। तो गाइज सपोर्ट कर देना, आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी यहाँ पर सैमसंग डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसकी 2 GB रैम से लेकर 8 GB रैम तक की बेस्ट सेंसिविटी प्रोवाइड करूंगा, प्लस DPI प्लस फायर बटन की साइज। तो वीडियो को आपको एंड तक देखनी, आपको अपने रैम के मुताबिक सेंसिविटी इस वीडियो में मिल जाएगी। सो होप यू गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस फर्स्ट बात करते हैं 2 GB रैम वालों के लिए कि जो भी सैमसंग डिवाइस में 2 GB रैम यहाँ पर गेम प्ले करता है तो उसकी यहाँ पर बेस्ट सेंसिविटी कौन सी रहेगी। तो 2 GB रैम वालों की बेस्ट सेंसिविटी आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हो। आपका जनरल सेट करना होगा 97, उसके बाद रेड डॉट है उसको यहाँ पर आपको 99 में सेट करना है। बाकी करा 2X स्कोप और 4X स्कोप, तो इसको यहाँ पर आपको 90-90 में सेट कर देना। अब यहाँ पर आप ओम की यहाँ पर सेंसिविटी चाहते हो तो ओम की सेंसिविटी रहेगी 15 और यहाँ पर फ्री लुक की सेंसिविटी भी रहेगी 15। अब यहाँ पर इसमें आप DPI सेट करना चाहते हो तो आपकी DPI रहेगी 420 से लेके 470, इसमें से यहाँ पर आप कोई भी DPI सेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आपकी फायर बटन की साइज़ की बात करूँ तो फायर बटन की साइज़ की वीडियो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है, उसकी लिंक यहाँ पर मैंने दी हुई है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। उसमें यहाँ पर जो मैंने फायर बटन की साइज़ बताई वो यहाँ पर इस सेंसिविटी में आप यूज़ कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं 3 GB रैम वालों के लिए कि जो भी सैमसंग डिवाइस में 3 GB रैम में गेम प्ले करता है तो उसकी बेस्ट सेंसिविटी कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर 3 GB रैम वालों की बेस्ट सेंसिविटी आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हो। आपका जनरल सेट करना होगा 98, उसके बाद रेड डॉट है उसको यहाँ पर आपको 95 में सेट करना है। बाकी करा 2X स्कोप और 4X स्कोप, तो इसको भी यहाँ पर आपको 95-95 में सेट कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आप ओम की सेंसिविटी चाहते हो तो ओम की सेंसिविटी रहेगी 50 और फ्री लुक की सेंसिविटी आपके लिए रहेगी 60। अब यहाँ पर इसमें आप DPI सेट करना चाहते हो तो आपकी DPI यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर 420 से लेकर 470 के बीच में रहेगी। इसमें से यहाँ पर आप कोई भी DPI सेट कर सकते हो। और यहाँ पर प्लस फायर बटन की साइज़ की बात करूँ तो फायर बटन की साइज़ की वीडियो यहाँ पर इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। गाइज इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं 4 GB रैम वालों के लिए कि जो भी 4 GB रैम यहाँ पर गेम प्ले करता है सैमसंग डिवाइस में उसकी बेस्ट सेंसिविटी कौन सी होगी। तो बेस्ट सेंसिविटी 4 GB रैम वालों की आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हो। आपका जनरल सेट करना होगा 91, उसके बाद रेड डॉट है उसको यहाँ पर आपको 95 में सेट करना है। बाकी करा 2X स्कोप और 4X स्कोप, तो इसको यहाँ पर आपको 85-85 में सेट कर देना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ओम की सेंसिविटी चाहते हो तो ओम की सेंसिविटी रहेगी 50 और फ्री लुक की सेंसिविटी आपको सेट करनी होगी 60। अब इसमें यहाँ पर आप DPI सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर सभी रैम की DPI 420 से लेके 470 मैंने यहाँ पर बताई है, उसमें से यहाँ पर आप कोई भी DPI सेट कर सकते हो। और प्लस यहाँ पर फायर बटन की साइज़ की वीडियो यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। गाइस इसके बाद बात करते हैं 6 GB रैम वालों के लिए कि जो भी सैमसंग डिवाइस में 6 GB रैम में यहाँ पर गेम प्ले करता है तो उसकी बेस्ट सेंसिविटी कौन सी रहेगी। तो 6 GB रैम वालों की बेस्ट सेंसिविटी आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हो। आपका जनरल सेट करना होगा 97, उसके बाद रेड डॉट है उसको यहाँ पर आपको 93 में सेट करना है। बाकी करा 2X स्कोप और 4X स्कोप, तो इसको यहाँ पर आपको 90-90 में सेट कर देना है। ओम की सेंसिविटी यहाँ पर आपकी 50 रहेगी और फ्री लुक की सेंसिविटी रहेगी 60। अब गाइस इसमें यहाँ पर आप DPI की बात करूँ तो DPI रहेगी आपकी 420 से लेके 470। इसमें यहाँ पर फायर बटन की साइज यहाँ पर आप सेट करना चाहते हो तो फायर बटन की वीडियो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। अब गाइज यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं 8 GB रैम वालों के लिए कि जो भी सैमसंग डिवाइस में 8 GB रैम में यहाँ पर गेम प्ले करता है तो उसकी बेस्ट सेंसिविटी कौन सी रहेगी। तो 8 GB रैम वालों की बेस्ट सेंसिविटी आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हो। आपका जनरल सेट करना होगा 95, उसके बाद रेड डॉट है उसको यहाँ पर आपको 89 में सेट करना है। बाकी करा 2X स्कोप, तो इसको यहाँ पर आपको 95 में सेट करना है। 4X स्कोप है इसको 97 में सेट करना है। और ओम की सेंसिविटी आपकी 50 रहेगी और जो फ्री लुक है उसकी सेंसिविटी रहेगी 60। अब गाइज यहाँ पर इसमें आप DPI सेट करना चाहते तो DPI यहाँ पर 420 से लेके 470 के बीच में आप कोई भी DPI सेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर फायर बटन की साइज की बात करूँ तो फायर बटन की साइज की वीडियो यहाँ पर मैंने ओल्ड डे पर बना दी है, लिंक यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ,
वहां से जाके चेकआउट कर लेना। अब गैस यहां पर मैंने सभी रैम की यहां पर सेंसिटिविटी प्लस डीपीआई प्लस फायर बटन की साइज बता दी। अब गैस जो मैंने यहां पर सेंसिटिविटी और सभी कुछ यहां पर जो मैंने डिटेल्स बताई ना रैम के मुताबिक, वो गैस यहां पर खुद मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। डायरेक्टली यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं, बिकॉज यहां पर डायरेक्टली बताना होता तो मैं इसे बता देता कि 90 के 100 से बीच में यहां पर आप कोई भी सेंसिटिविटी रखो। बट यहां पर मैंने पूरी यहां पर सर्च की, पूरी यहां पर एक्सपेरिमेंट की, बाद में यहां पर आपके सामने ये सेंसिटिविटी लेके आया हूं। तो आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और ये सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। यहां पर आप अच्छी तरह से एक बार यूज करना, बाद में यहां पर कमेंट बॉक्स में बता देना। सो आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। पास में दिखने वाला बेल आइकन है उसको जल्दी से और पे शेयर कर देना, ताकि इन फ्यूचर हमारे जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। और गाइस एक कमेंट मार देना जिससे हमें लगे कि हमारी सपोर्ट में स्काई फैमिली ऑलवेज है, इसलिए एक कमेंट छोड़ते जाना। और अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना, जिससे वो भी सैमसंग डिवाइस यूज कर रहा है तो उसकी भी उसको बेस्ट सेंसिटिविटी प्रोवाइड और मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।